जनपद बिजनौर चांदपुर पत्नी ने पति को जान से मारने के इरादे से दूध में पारा जहर दिया। पति ने दूध में मिश्रित पारा तूक कर अपनी जान बचाई। ग्राम स्याह निवासी मेसर जहां पत्नी मोहम्मद असलम ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पुत्र मोहम्मद फिरोज की शादी नूरपुर के मोहल्ला इस्लाम नगर में हुई थी। कुछ दिन तो उसकी पत्नी नसरीन हंसी खुशी साथ रही, परंतु उस दिन बाद नसरीन अपने पति से झगड़ा करने लगी और कहने लगी कि अगर तुम अपने परिवार से अलग रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। 11 जुलाई को नसरीन उसके घर आई और रात के करीब 10 बजे अपने पति को दूध में उसकी पत्नी नसरीन ने पारा जहर दे दिया, जिसे पीते ही फिरोज ने उल्टी शुरू कर दी, जिसे तुरंत चिकित्सक को दिखाया गया। चिकित्सक ने बताया कि यदि पारा पेट में चला जाता तो उसकी जान नहीं बच सकती थी। घटना का पता चलते ही नूरपुर निवासी उसके परिवार वाले सांस मुनीजा सलीम वसीम चाचा अकबर ने उल्टे उन्हें ही धमकाना शुरू कर दिया। कहा कि अब तो यह बच गया, आइंदा नहीं बचेगा। मेसर जहां ने चांदपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उसके पीहर वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। उधर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आज न्यूज चैनल के लिए चांदपुर से राधा रानी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं सर जहां। कहाँ की निवासी हो? मोहल्ला शेख सराय हबीब सियाओ की ग्राम सियाओ की निवासी हूँ। क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरे बेटे मोहम्मद फिरोज को उसकी पत्नी नसरीन ने 11 तारीख की रात में 10 बजे जान से मारने की नीयत से दूध में जहर दिया है। आपने थाने में तहरीर दे दी है? हाँ, थाने में तहरीर दे दी है। धारा 328, 304, धारा 328, 504, 506 में मुकदमा दर्ज हो गया है।